समय अपने इस चैप्टर में जहां से हमारे क्रिटिकल वर्ड्स स्टार्ट हुए थे, तो द फर्स्ट वर्ड वाज इंजेक्शन। आपको याद आया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्शन? तो लेट अस रीड दिस और देखते हैं इसकी हेल्प से हम अपने पुराना जो लर्निंग है हाउ कैन वी मेक अ कनेक्शन विद दैट। तो इंजेक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, याद आया ना? हमने जब चैप्टर करा था आया था ये चैप्टर, तो कौन सा? बिकॉज इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न मेनी थिंग्स। वी हैव लर्न अबाउट ह्यूमन बॉडी, वी हैव लर्न अबाउट ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वी हैव लर्न अबाउट अमीबा जो अभी हमने पहले वाले सेशन में सीखा था। सो इंजेक्शन से एकदम हमें चला गया जो हमने बहुत बिगनिंग में सीखा था अबाउट हाउ डज डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। सो देखिए आप जब ये आप देखेंगे इंजेक्शन से आप अपनी पुरानी लर्निंग को से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमने इस इतने पार्ट में व्हाट हैव वी लर्न। और कुछ याद नहीं आ रहा, इमीडिएटली ओपन योर बुक, एक बार उसको फिर से पढ़िए। सो अब इंजेक्शन अगर कोई कहे तो इट इज वेरी इजी टू टेल एनीवन के दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। अब है हमारा सेकंड डेफिनेशन एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, पहले आप सोचें ये वर्ड वेयर हैव यू रेड, किस कंसर्न में पढ़ा था, याद आया आपको? यस, ये हमने तब पढ़ा था जब द फूड वॉज इनसाइड अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक में नहीं होता है, इट हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो द प्रोसेस ऑफ पासिंग द डाइजेस्टेड फूड, तो देखें अगर आप फूड लिखेंगे बात नहीं आपको मिल बनेगी, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, यू हैव टू राइट डाइजेस्टेड। तो द प्रोसेस ऑफ पासिंग द डाइजेस्टेड फूड इन टू द किसमें, ब्लड वेसल्स में, एंड दीज ब्लड वेसल्स कहाँ प्रेजेंट है? इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सो अगर आपने दिस वर्ड एंड दिस वर्ड अपने दिमाग में रख लिया, तो अगर कोई आपसे पूछे वेयर डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट इन ह्यूमन बॉडी, इमीडिएटली यू कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन, आप स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन का नाम नहीं लेंगे। सो देखें तो हमारे डेफिनेशन से वी आर डूइंग द रिवीजन जो अब तक हमने सीखा है। सो अगेन लेट अस लुक एट दिस, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आता है, देखिए ये देखकर हमें कुछ याद आ गया। अब चांस की बात, इफ यू आर नॉट गेटिंग एबल टू, अरे एसिमिलेशन का क्या मीनिंग है, तो एक बार देखते हैं। एसिमिलेशन हमने कब करा था? कि जब सेल्स के पास जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं दे आर मेकिंग इट इनटू अगेन कॉम्प्लेक्स थिंग, so this is called assimilation. Assimilation means to gather. So utilization of absorbed substances by different organs to build complex substances, this is important, is called assimilation. Means जो हमारे पास pieces में जो things गई थी उसको now they are collecting it again, so this is called assimilation. नेक्स्ट, ये हमने एसिमिलेशन देख लिया है, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इजेशन। इजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल हमारे बॉडी में नहीं काम का है, सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन फीकस फॉर्म फ्रॉम द एनस। सो देखिए आपको प्रॉपरली पढ़ना चाहिए कहाँ कॉमा है कहाँ क्या है, नहीं तो मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो इज कॉल्ड इजेशन। आई विल रीड दिस डेफिनेशन वंस मोर।
removal of undigested food material in fecus from the anus is called ejection. तो देखें आपके definitions जो हैं, अगर आपने यही language learn करी तो you don't have to write big big sentences. नहीं तो आप क्या बोलेंगे, आप पहले undigested food का समझाएंगे, then बताएंगे वो कहाँ से निकलता है, उसको क्या कहते हैं, lot of things. तो ये books में जो हमने बहुत अच्छी definitions है उनको लेके collect करके एक complex छोटे से sentences बनाए हैं, so that it is easy for you to learn. तो इस डेफिनेशन में आपको क्या क्या टर्म याद रखते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन फीकस फ्रॉम द एनस इज कॉल्ड इजेशन. नेक्स्ट आपका आ गया र्यूमेन. र्यूमेन क्या है, याद आया कौन से है हमारे, यस ग्रास ईटिंग एनिमल से इसका कंसर्न है. तो द फर्स्ट स्टमक ऑफ herbivores which receives food from the esophagus and partly digest it with the help of bacteria. तो यहाँ ही पर क्या होता है, curd बनता है and that curd comes in the mouth of the animal and that curd animals keep chewing when they are resting. याद आ गया ना पूरा process, हमने काऊ की picture देखी थी. तो देखा अगर आप इस टाइप से डेफिनेशंस करेंगे यू कैन गो बैक इन योर मेमोरी के आप यू कैन चेक योर मेमोरी के उस चैप्टर से आपको कितना आता है, कितना लर्न हो चुका है. तो र्यूमेन क्या है, इट इज द फर्स्ट स्टमक, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन तो बाद में हो रहा है जब वो पूरा चबा के फिर बॉडी में जा रहा है. तो ईसोफेगस से सबसे पहले the food is entering in the first stomach, that is rumen, and partly digestion ho raha hai with the help of bacteria. Next is rumination. Iski definition humne padhi thi, ek baar fir se dekhte hain. The chewing process, jo ab wo baithe baithe apna chew karte rehte hain. The chewing process of small lumps. अब ये डेफिनेशन आप ध्यान दीजिए कि स्मॉल लम्स ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड रूमिनेशन. सो अगर आप यहाँ पे खाली फूड लिख रहे हैं योर आंसर विल कंसीडर टू बी नॉट डेट करेक्ट. टीचर पूरा भी कट कर सकता है या थोड़ा, तो व्हाई टू टेक रिस्क इस पर ध्यान दीजिए. द चूइंग प्रोसेस ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड is called rumination. Clear हुआ? तो ये जो हमने ये rumen, rumination, ये जो हमने पढ़ा है, ये it is related to herbivores animals, grass eating animals, जो सिर्फ खाली घास खाते हैं, okay? And this is the reason human beings या और अदर एनिमल्स cannot eat grass, क्योंकि हमारे बॉडी में ईसोफेगस के बाद ओनली वन स्टमक इज देयर, बट विद दीज एनिमल्स टू स्टमक्स आर देयर. तो आपका एक क्वेश्चन यहीं पर बन रहा है, सो सकते हैं हाउ मेनी स्टमक्स आर प्रेजेंट इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, 1, 2, 3, 4. तो आप कॉन्सेप्ट में पता चल गया 2, या व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टमक इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यू कैन से र्यूमेन. देखा क्वेश्चंस जो आप लर्न करते हैं उन्हीं से बनते हैं. अगर आपने डेफिनेशन वो पैराग्राफ बहुत ध्यान से पढ़ा, यू कैन गिव द आंसर अभी. और ये जो हमने अभी लास्ट सेशन में ही पढ़ा था अबाउट सीडोपोडिया, तो सीडोपोडिया से आपको कौन सा ऑर्गनिस याद आ रहा है, यस इट इज अमीबा. अमीबा के उसमें वी हैव लर्न अबाउट सीडोपोडिया. सीडो का आपको आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग, यस सीडो मींस फॉल्स एंड पोडिया मींस फीट, फॉल्स फीट. सो द फॉल तो आपका आ गया द फॉल्स फीट. अब फीट हमारे किस लिए यूज होते हैं, फॉर मूवमेंट एंड टू कैप्चर द फूड इन अमीबा. तो दिस सीडोपोडिया इज नॉट ओनली यूज फॉर लोकोमोशन
but it is also used to capture the food material that amoeba wants to take in. So dekha, to hum definition se it is the good practice for any child ya jo bhi learner hai, it is the best practice. You look at the definition, you only look at the terms jo ispe heading hai, you only look at these and first try to think about iska humne kya kya padha, kahan se padha, and then give the answer. Then it is easy for you to write down your answers. और आपको बहुत ज्यादा बुक लेके लर्न करने की नीड नहीं होगी. So kids, this is the time to say end for the second chapter, that is digestion in animals. और इसमें हमने थ्री थिंग्स के बारे में पढ़ा. एक तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ा, एंड थर्ड अमीबा के बारे में पढ़ा. एंड उसके साथ हमें बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ, उन टीथ के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं. सम आर यूज फॉर ग्रिंडिंग, सम आर यूज फॉर टीयरिंग, एंड सम आर यूज फॉर च्यूइंग. उसके साथ हमें पता चला कि जो हम खाना खाते हैं तो उसमें जो टेस्ट हमें पता चलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्ट बड्स दैट आर प्रेजेंट इन द टंग, एंड देयर आर डिफरेंट एरियाज इन द टंग टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टेस्ट. फिर हम लोगों ने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस देखा कि फ्रॉम वेयर टू वेयर द फूड ट्रेवल्स, और कहाँ कहाँ कौन से जूसेस आते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हेल्प्स देम टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और हाउ डज द अनडाइजेस्टेड फूड या अनयूजफुल फूड गेट एजेक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. फिर हमने ग्रास ईटिंग एनिमल्स का देखा कि इट हैज टू स्टमक्स, और हमने माइक्रो ऑर्गन्स का भी देखा, लाइक अमीबा के वो कैसे अपने सीडोपोडिया को यूज करता है फॉर मूवमेंट एंड फॉर taking the food inside. So this chapter now comes to it. Next session mein we will start with a new chapter. Tab tak ke liye is chapter ke jitne question answers hain unko aap learn karna start kar diye. Bye, take care.